बाहरी व्यक्तियों, फल फेरी, रेड़ी, ठेले लगाने वाले व्यक्तियों, किराएदारों व दुकानदारों के 100% सत्यापन किए जाने हेतु चलाए जा रहे सत्यापन अभियान के तहत जनपद के समस्त थाना उपली चौकी प्रभारी तथा सत्यापन हेतु गठित टीमों द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र सत्यापन अभियान चलाते हुए कुल 117 मजदूरों, रेड़ी, ठेले वालों, किराएदारों, बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन किया गया। पुलिस के द्वारा आम जनता से अपील की है कि अपने किराएदारों ओब्लिक मजदूरों का सत्यापन अवश्य करा ले और यथा संबंधित भवन स्वामी या ठेकेदार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उक्त अभियान आगे भी जारी रहेगा। धारचूला में भी लगातार सत्यापन अभियान पुलिस का जारी है। तहसील प्रांगण में आज तीसरे दिन भी कृमि अनशन जारी रहा। कृमि अनशन में नागलिंग दारमा के लोग आज कृमि अनशन में बैठे। लगातार दारमा संघर्ष समिति को गांवों का समर्थन मिल रहा है। पूरे 2214 के लोग इस धरना स्थल पर लगातार डट रहे हैं। आज नारायण दरियाल ने बताया कि उक्त धरना प्रदर्शन को लोगों का लगातार समर्थन मिल रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि ग्रिफ के द्वारा जो ब्रिज 6 माह से टूटा है उसकी आज तक सुध नहीं ली गई है। ग्रामीणों को जरूरी चीजें बोक कर या खच्चरों के माध्यम से ले जानी पड़ रही है। सड़क बनने के बाद भी अतिरिक्त भाड़ा वो क्यों वहन करें और लगातार परेशानियां बनी है। बीमार लोगों को लाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने भी बताया कि बॉर्डर रोड की यह महत्वपूर्ण सड़क है जो कि चीन को जोड़ती है और उस सड़क में सेना का भी आगमन लगातार बना रहता है, परंतु बीआरओ बिल्कुल इस सड़क की सुध नहीं ले रहा है और ब्रिज बनाने को तैयार नहीं है। अब आर पार की लड़ाई बीआरओ के साथ, दारमा के साथ साथ पूरा क्षेत्र भी लड़ेगा। आज तीसरे दिन भी हो गए हैं और बीआरओ के द्वारा कोई भी अभी तक स्टेप नहीं उठाया गया है। साथ ही उन्होंने प्रशासन पर भी आरोप लगाया कि प्रशासन के द्वारा बीआरओ को दबाव नहीं डाला जा रहा है और बीआरओ के द्वारा एक हास्यास्पद बात की जा रही है कि इस ब्रिज में पार्ट्स विदेश से लगना है। जब इस तरह का विदेशी पार्ट्स लगना था तो इस उक्त चीन सीमा को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क पर ऐसा ब्रिज बनाना कहीं ना कहीं सरकार को अंधकार में रखना है और दारमा वासियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इस क्षेत्र में लगातार इस तरह की हरकतें रहेंगी तो दारमा वासी अब सहन नहीं करेंगे। अब आर पार की लड़ाई बीआरओ गिरफ्त के साथ लड़ी जाएगी। हम जो है शासन प्रशासन से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जो हमारे दारमा के 4 सूत्र मांग है, नंबर पहला प्राथमिकता हमारा है कि सोबलापुर दर रोड ये तत्काल प्रवाह से इसको जल्दी से शुरू कराया जाए क्योंकि अब हमारा माइग्रेशन का समय आ गया है। हम लोग जो है शासन प्रशासन से इंतजार करते करते निवेदन करते थक चुके हैं। 6 माह बीत गया, उसके बाद भी जो है इन्होंने हमारे दारमा की रोड और सोबला पुल का अभी तक कोई कार्य निर्माण कार्य शुरू नहीं किया, इसलिए आज मजबूरन प्रधान संगठन के सहयोग से और हम जो है पूरे दारमा वासी जो है आज कर्मीगंज में बैठना पड़ रहा है और ये बैठ कर जो है हमें जो है अपनी समस्या को सरकार तक जो है निवेदन करना पड़ रहा है। यदि सरकार हमारे इन मांगों को पूरी नहीं करती है तो पूरा क्षेत्रवासी जो है हम एक दृढ़ रूप से जन आंदोलन करेंगे, तालाबंदी कराएंगे, चक्का जाम कराएंगे। उसके बाद भी सरकार नहीं सुनती है तो हम जो है पूरे लोकसभा का जब पूरे क्षेत्र जो है लोकसभा का बहिष्कार करने के लिए तैयार है। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं कि तत्काल जो है हमारा दारमा मोटर मार्ग को दुरुस्त कराया जाए। यदि इस स्थिति में नहीं करती है तो सरकार और प्रशासन को जो है झेलना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सामरिक महत्व की भूमि है जहाँ पर आर्मी को और हमारे सुरक्षा के लिए चारों ओर जो है त्रिकोणात्मक बॉर्डर एरिया है, वहाँ पर सरकार को चेतना चाहिए, सोचना चाहिए कि गंभीर मामला है क्योंकि यहाँ पर तनाव, क्योंकि एक ही दिन में अब सुरक्षा की दृष्टि से एक ही दिन में भेजी भी नहीं। नाम देवेंद्र भगवान है, मैं दारमा विकास समिति का अध्यक्ष हूँ। हम लोग उच्च हिमालय के क्षेत्र के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ एक धरना प्रदर्शन चल रहा है, अभी भीड़ आ रही है, धरना प्रदर्शन चल रहा है जो अभी माइग्रेशन का टाइम हो गया है। अभी तो ना पुल बना है ना रोड बनी है, हमें अभी माइग्रेशन में मार्च से शुरू हो जाता है, जाने में कई दिक्कतें पड़ेगी, इसलिए धरना प्रदर्शन हम करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं। कल हमारी समिति दारमा पंचायत विकास समिति एक दिन का धरना प्रदर्शन करेगी और यही सरकार से मेरी गुजारिश है कि उग्र जल्दी से जल्दी ही यथापूर्व हमारी मांग पूरी करें, अन्यथा हम लोग और उससे उग्र आंदोलन करने की कोशिश करें। खबर बेरीनाग से। रायागार में पंचशूल ब्रिगेड सीएसडी कैंटीन एक्सटेंशन का काउंटर उद्घाटन हुआ है। बेरीनाग के
रायागर में पंचशूल ब्रिगेड की सीएसडी कैंटीन स्टेशन काउंटर का उद्घाटन ब्रिगेडियर समर प्रताप सिंह चौहान स्टेशन कमांडर पिथौरगढ़ ने किया। इस उद्घाटन समारोह में गंगुलियाट व बिरला के सैकड़ों पूर्व सैनिक व उनके आश्रितों ने भाग लिया। गंगुलियाट व बिरला के भूतपूर्व सैनिकों की पिछले कई वर्षों से यह मांग थी। धारचूला में आज भारतीय जनता पार्टी व क्षेत्रीय जनता के द्वारा एक बड़ा जुलूस देखने को मिला। बीते दिवस धारचूला में एक नाई का काम करने वाले व्यक्ति के द्वारा दूसरे धर्म की लड़की को भगाने के मामले में धारचूला में बड़ा बवाल कटा था। उक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद धारचूला में लगातार बाहरी व्यक्तियों का पुलिस के द्वारा सत्यापन व व्यापार संघ धारचूला के द्वारा अपने दुकानदारों का सदस्यता रिन्यूअल किया जा रहा है। आज अचानक से धारचूला के युवाओं ने वीरेंद्र सिंह नबियाल, महेंद्र बुदियाल, संदीप बोरा, हरीश दामी, पप्पू फगलियाल व अन्य सभी युवाओं के साथ धारचूला में भारी नागरिकों को बाहर करो व इन लाइन को बहाली करने की मांग का एक जुलूस निकाल दिया। साथ ही एक बड़ी जनसभा धारचूला में तहसील के आगे की गई। उक्त जनसभा में वक्ताओं ने कहा कि लगातार धारचूला में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं जिससे लोग डरे हैं और उन्होंने चेतावनी दी है कि बाहरी लोगों के द्वारा जो धारचूला में किया जा रहा है उसे तत्काल बंद किया जाए और बाहरी लोगों को जो मकान और दुकान दिए हैं वो खाली कराए जाए। सन 2000 के बाद आए व्यक्तियों को धारचूला से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा जिससे कि धारचूला में शांति बनी रहे। वहीं ब्लॉक प्रमुख धनसिंह धामी ने कहा कि यह क्षेत्र की लड़ाई है और इसमें समाज से ऊपर लड़ाई लड़ी जाएगी। जो स्थानीय स्तर पर हिंदू मुस्लिम यहाँ पर रहते हैं, जो पूर्व के मुस्लिम हैं और वर्षों से यहाँ रहते आए हैं या वो धारचूला के नागरिक हैं, उनका उन मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम उनके साथ हैं, उन्हें पूरा संरक्षण मिलेगा, वह सहयोग का व्यवहार वो भी करें। और उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में हमारा भी साथ उन लोगों ने देना होगा। वहीं संदीप बोरा ने कहा कि इस तरह की घटनाएं लगातार क्षेत्र में होने से अराजकताएं बढ़ रही हैं। वहीं सभा का संचालन कर रहे हरीश दामी और महेंद्र बुदियाल ने कहा कि उन्होंने चेतावनी दी है कि व्यापार संघ की सदस्यता का अभियान समाप्त होने के बाद लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनका चिन्हितकरण, उनका निरस्तीकरण कर धारचूला से बाहर किया जाएगा। उक्त जनसभा में आज बहुत युवाओं की संख्या रही, शांति प्रशासन भी सतर्क रूप में था कि कहीं कोई बहुत बड़ा बवाल न कटे, परंतु सभा शांतिपूर्वक रही और धारचूला से बाहर करो के नारे के साथ इनर लाइन के लिए भी बहुत जोर दिया गया। ऐसा कोई ख्याल नहीं, हमारे ही लोग हैं। मैं उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि आज आप पड़ोस के घर में घटना होते हुए देख रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले कल ये मैं उन लोगों को आज आवाज करना चाहता हूं जो यहां गंदगी फैला रहे हैं। तुम्हारे पाप धोने के हम आ जाओ, अपनी पाप लो गंगा में डूबो के तुम्हारे पाप हम धो देंगे। मैं एक मंच से आज ये कहना चाहता हूं, युवा साथियों धारचूला में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह थापा के नेतृत्व में दारमा सड़क संघर्ष समिति को पूर्ण समर्थन दिया गया और ब्लॉक अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह थापा ने एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी धारचूला को दिया जिसमें लिखा गया है कि तत्काल मोटर मार्ग में टूटे हुए ब्रिज का निर्माण कार्य किया जाए, अन्यथा कांग्रेस कमेटी आंदोलन के समर्थन में बीआरओ के ऑफिसों की तालाबंदी का कार्यक्रम करेगी। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि दारमा के लोगों के साथ पूरा क्षेत्र खड़ा है और दारमा की उपेक्षाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और उन्होंने दारमा संघर्ष समिति के प्रांगण में पहुंचकर उनको कहा कि कोई भी आवश्यकता हो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को बताया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पूरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धारचूला दारमा संघर्ष समिति के साथ धरना प्रदर्शन में भी बैठेगी। बिल्कुल लगातार वो जूझे हुए हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं और माननीय विधायक जी ने ये कहा है कि पूरे पार्टी के लोग, एक दो लोग तो लगातार जा ही रहे हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी जा रहा है, व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी जा रहा है, लेकिन हमारे जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता गण हैं या संगठन के जितने भी सामाजिक संगठन के लोग हैं वो ग्रामवासियों को विस्थापन कराने की कृपा करेंगे। और साथ ही इस विषय पर निवेदन है कि बारमा मोटर अंतर्गत सोबला मोटर पुल, दर मोटर मार्ग विगत 6 माह से बंद है। इसके अलावा भी आपने यहाँ पर तेजम बतन झूला पुल वगैरह जो भी लिख रखा है, इस जायज मांग को हमारे प्रशासन से माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उप जिलाधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन प्रेषित करना है
और इसमें अनुरोध किया गया है कि अतिशीघ्र आपकी जायज मांगों को, चार मांगों को जो है अतिशीघ्र माना जाए। और जो हमारे दारमा संगठन के प्रधान संगठन है, इन्होंने जो अब अपना मुहिम छेड़ा है, ये बहुत बढ़िया मांग है, बहुत अच्छी मांग है, जायज मांग है, ये जो है जागरूक होने का एक प्रमाण है। इसलिए मैं दारमा क्षेत्र के जितने भी प्रधान संगठन है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पार्टी की ओर से। दारमा सेवा समिति की जायज मांगों को शासन प्रशासन होश में, तुमको आना होगा, सो होश में तुमको आना होगा। दारमा प्रधान संगठन, दारमा प्रधान संगठन, हाथुला प्रधान संगठन, हाथुला सामाजिक संगठन, हाथुला सामाजिक संगठन, हाथुला की एकता, हाथुला की एकता, समस्त यहाँ पर दासवान जो समस्त जनप्रतिनिधि कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो समर्थन दिया जा रहा है, इसके लिए मैं धारमा घाटी की ओर से आपको दही जीत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे क्षेत्रवासियों की ओर से मैं पूरे कांग्रेस पार्टी को दही जीत हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता आज हमारे धारमा क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में कल माननीय विधायक जी से हमारी वार्ता हुई। माननीय विधायक जी के आदेश अनुसार समस्त जो है पार्टी के कार्यकर्ता गण और पदाधिकारी गण जाकर धारमा कांग्रेस के लोग कल धारचूला में निकालेंगे शांति मार्च। साथ ही उन्होंने इनर लाइन की भी ज्ञापन उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री व राज्यपाल को भेजा है। उन्होंने कहा कि धारचूला की शांति के लिए इनर लाइन का जॉर्जिमी होना जरूरी है। नरूप सिंह गर्बियाल विधायक प्रतिनिधि ने बताया, उपजिलाधिकारी से वार्ता भी की। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की मांग है कि इनर लाइन जॉर्जिमी में आए और कांग्रेस इस इनर लाइन की मांग को लेकर सड़कों में उतरेगी, विरोध प्रदर्शन करेगी और इनर लाइन को जॉर्जिमी में स्थापित करके ही बैठेगी। वहीं अन्य कांग्रेस के वक्ताओं ने बताया है कि जैसे धारचूला में व्यवहार के डैम में अराजकता का माहौल चल रहा है, उस माहौल के अंदर कांग्रेस कल शांति मार्च करेगी। उस शांति मार्च की भी आज परमिशन ली गई है। आए दिन धारचूला का सामाजिक माहौल खराब किया जा रहा है और इस संदर्भ में महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन है, उक्त प्रकरण में निगरानी रखते हुए बाहरी लोगों को सत्यापन पुलिस के द्वारा कठोर कार्रवाई करते हुए किया जाए, साथ ही असामाजिक तत्वों को जो है बाहर का रास्ता दिखाकर यहाँ के माहौल को सुधारा जाए। महोदय, चूंकि इनर लाइन पूर्व में जोलजीब में था लेकिन बाद में इसको छियालेख कर दिया गया, जब से इनर लाइन छियालेख स्थापित किया गया तब से धारचूला क्षेत्र में बाहरी आपराधिक तत्वों का आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और यहाँ का सामाजिक माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। अतः क्षेत्रीय इनर लाइन को जोलजीबी पुनर्स्थापित किया जाए और यहाँ आपराधिक गतिविधि में संलिप्त सभी लोगों का, बाहरी लोगों का सत्यापन कर यहाँ के वातावरण को सौहार्दपूर्ण बनाया जाए। इस संदर्भ में हम लोग ज्ञापन जो क्षेत्र में सौहार्द बना रहे और जो है इसको हम लोग हमारा सामाजिक ताना बुना भी बरकरार रहे और बाहरी अराजक तत्वों को जो है हम लोगों ने आज से नहीं बहुत पहले से इन लोगों के खिलाफ हम लोगों ने जो बिगुल बजाया था उसी क्रम में कल हमारी एक शांति मार्च यात्रा निकलने वाली है, वो आपसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। और प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब DCL News।